चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वैसे तो अपने सौम्य, मृदुल और हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके बेंच पर कुछ ऐसा हुआ जिससे वे खासे नाराज दिखाई दिए। एक मामले को लेकर वे एक एडवोकेट पर ऐसे नाराज हुए कि उसे कोर्ट में ही कड़ी फटकार लगा दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उस एडवोकेट पर इस तरह से भड़के कि उसकी क्लास लगाते हुए उन्होंने ये तक कह डाला कि ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं, जहां जो भी ट्रेन आ गई बस चढ़ गए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने एक एडवोकेट ने न्यायपालिका में सुधार संबंधी एक याचिका को मेंशन करने की कोशिश की थी। उसकी ऐसी हरकत पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि क्या कोई याचिका ऑन बोर्ड है। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ऐसा कैसे दोपहर 12 बजे इसे मेंशन कर सकते हैं। एडवोकेट को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये पॉइंट नहीं है और इस तरह से कैसे मेंशन कर सकते हैं। एडवोकेट की इस हरकत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उससे पूछा कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, जिसका जवाब उसने ना में दिया और बताया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। एडवोकेट के इस जवाब पर नाराज सीजीआई ने उससे पूछा कि आप वहां भी ऐसा ही करते हैं और अगर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में आकर बस खड़े हो गए और याचिका मेंशन कर दी, ये कैसी हरकत है। चीफ जस्टिस ने उससे कहा कि आप पर फाइन लगाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को देना होगा। साथ ही उन्होंने उस एडवोकेट को नसीहत देते हुए कहा कि आप कृपया अपने सीनियर से पूछें कि इसे कैसे किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की ऐसी नाराजगी पर वो एडवोकेट बीच बीच में कई बार ये दोहराता दिखाई दिया कि मैं जुडिशरी के खिलाफ नहीं हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई थी जिससे सीजीआई चंद्रचूड़ खासे नाराज हो गए थे। उस दौरान उन्होंने एक वकील को डराने धमकाने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई थी। दरअसल कोर्ट में वो वकील तेज आवाज में बातें कर रहा था, जिस पर उसे टोकते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप पहले अपनी आवाज को नीचे करिए वरना आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा। सीजीआई ने उसे फटकारते हुए कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप तेज आवाज में बातें करके सबको डरा सकते हैं तो ये आपकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने उस मामले में कहा था कि अपने करियर में मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया और अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर भी ऐसा होने नहीं दूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना है, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।